नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कौन कौन से विभाग किनको किनको मिला है, इस बात की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में प्रधानमंत्री और साथ में उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पीजेंस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट अलॉटेड टू एनी मिनिस्टर्स। ये नरेंद्र मोदी के पास है। कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट देख लें तो ये 14 की लिस्ट है पहली। उसमें श्री राजनाथ सिंह बनाए गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री अमित शाह को बनाया गया है, गृह मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, सड़क परिवहन और जो राज्य मार्ग हैं उनके मंत्री बनाए गए। साथ में वो मंत्री होंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के, डीवी सदानंद गौड़ा मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर बनाए गए, निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाई गई हैं, रामविलास पासवान मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रामविलास पासवान को वही मंत्रालय जो पिछली सरकार में उनके खाते में थी। श्री नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है कृषि मंत्री देश का, साथ में वो ग्रामीण विकास और ग्रामीण पंचायती राज के भी मंत्री होंगे। रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है कानून मंत्री, साथ में उनके पास सूचना और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका भी प्रभार होगा। हरसिमरत कौर बादल मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं। श्री तावरचंद गहलोत जो हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनाए गए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाए गए हैं। श्री रमेश पुरक्याल निशंक मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाए गए, यानी एचआरडी मिनिस्टर। अर्जुन मुंडा जो हैं झारखंड के, उनको बनाया गया है ट्राइबल अफेयर्स आदिवासी मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी जो हैं उनको महिला और बाल विकास और साथ साथ टेक्सटाइल का मंत्री बनाया गया है। ये कुल 14 की लिस्ट आपने देखी। और उसके बाद ये अब आ जाइए 15वें नंबर पे, हर्षवर्धन बनाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री। साथ में उनके पास होगा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस का भी प्रभार इनके पास होगा। प्रकाश जावड़ेकर हैं, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पीयूष गोयल बने हैं रेल मंत्री, मोदी सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद पीयूष गोयल अब फिर से रेल मंत्री की जिम्मेदारी, और साथ में उनको ये 17 नंबर पर पढ़ रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो हैं पीयूष गोयल के जिम्मे हैं। उसके अलावा 18 नंबर पे धर्मेंद्र प्रधान हैं, पिछले बार सरकार में भी पेट्रोलियम मंत्री थे, इस बार भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के विभाग जो है इनके पास हैं, और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टील यानी कि स्टील उद्योग के भी का भी मंत्रालय इनके जिम्मे आया है। मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, और 21 नंबर पर हैं महेंद्रनाथ पांडे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस। तो सबसे बड़ी खबर ये कि अमित शाह को बनाया गया है गृह मंत्री और राजनाथ सिंह के जो है रक्षा मंत्रालय मंत्री बनाए गए हैं। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमन, इस बार वित्त विभाग की मंत्री होंगी। तो ये पूरा अभी जो तक जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से है। न्यूज फाउंडेशन पर आगे किनको किनको क्या जिम्मेदारियां मिल रही है दिखाएंगे। एक लेकिन दूसरी खबर है जो एड ऑन कर दें आपके लिए कि गिरिराज सिंह को जो है वो पशुपालन जो विभाग है वो पशुपालन मंत्रालय जो है वो गिरिराज सिंह के खाते में आया है, तो उनको इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। न्यूज फाउंडेशन के पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से ये बंटवारे हुए हैं। आगे लेकर के आएंगे कि बाकी जिन लोगों ने शपथ लिया उनके जिम्मे में कौन कौन से मंत्रालय दिए गए। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।